रिपब्लिक चैनल के मुख संपादक अर्नब गोस्वामी नु सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। अर्नब गोस्वामी वालों मुंबई हाईकोर्ट वालों राहत ना मिलने तो बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट के बेल ना देने के फैसले को गलत दसिया है। 5 नवंबर को मुंबई हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने अर्नब गोस्वामी के दो होर मुजरिमों को 50,000 रुपए के मुचलके से जमानत दे दी है। यह जमानत कथित तौर पर आत्महत्या लिए उकसाने के एक मामले में मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी खास तौर पर सारे दिशा निर्देश की पालना करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी और होर दो मुलजमान जांच सहयोग करने लिए भी कहा है। अर्नब गोस्वामी वालों मुंबई हाईकोर्ट वालों राहत ना मिलने तो बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी दाखिल होने तो तुरंत मगरों सुप्रीम कोर्ट वालों अर्जी को तत्काल सुनवाई वाली सूची में पा दिया गया। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, जेकर अदालत इस केस में दखलअंदाजी नहीं करती तो यह बर्बादी की राह से अगे बढ़ेगा। विचार तर्क तौर पर वखरे हो सकते हो, पर संविधानिक अदालतों को अजिही आजादी की रक्षा करनी चाहिए है। जेकर असी एक संविधान अदालत वजो कानून नहीं बनाते तो आजादी की रक्षा नहीं करते तो कौन करेगा? शायद तुम उसकी विचारधारा पसंद ना करते, इसे छोड़ दो, मैं उन्होंने चैनल भी नहीं देखता। पर जे हाईकोर्ट जमानत नहीं देती और नागरिक को भी जेल भेज दिया जाता है तो सानू मजबूत सुनेहा भेजना पवेगा। पीड़ित निरपक्ष जांच का हकदार है, जांच को चलन दो। पर जेकर राज सरकार इस आधार पर व्यक्तियों को निशाना बनाउंदियां हन तो मजबूत संदेश बाहर जान दो। की है अर्नब के खिलाफ यह मामला? कॉन्करड डिजाइनर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को मुंबई में रिपब्लिक टीवी के दफ्तर और स्टूडियो डिजाइन करने का ठेका दिता गया। कंपनी के मैनेजिंग डायरैक्टर अनवे नायक मई 2018 में अपनी मां के नाल मुंबई नेड़े अपने घर अलीबाग विखे मृतक पाए गए सन। अलीबाग रायगढ़ जिले में एक शहर है और इत्थे ही जिला हैडक्वार्टर भी है। पुलिस ने खुदकुशी का केस दर्ज किया क्योंकि उन्होंने घर में एक सुसाइड नोट भी मिलया। हालांकि उस समय सुसाइड नोट की पुष्टि नहीं सी हुई। मृतक की पत्नी अकशता ने दोष लाया कि उसके पति को अर्नब गोस्वामी की कंपनी और दो होर ने उन्होंने बकाया नहीं दिता, जिस करके उन्होंने खुदकुशी की है। इस मामले में ही महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया।